हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ संजय सर, फिजिक्स फैकल्टी। अभी तक जो हम वीडियो लेक्चर कर रहे थे वो एनसीईआरटी का क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 12, जिसका नेम है इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे रेजिस्टेंस के बारे में, ओम्स के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में। ओके, ओम्स लॉ डिस्कस किया। ओम्स लॉ क्या था? तो कि वी इज इक्वल टू आई आर, वो रिलेशन था पोटेंशियल और करंट के बीच का। ओके, उसके ऊपर से हमने कॉन्स्टेंट निकाला था जिसका नेम था रेजिस्टेंस। फिर रेजिस्टेंस क्या था? तो कि रेजिस्टेंस मतलब जो चार्ज का फ्लो को अपोज करे उसको हम बोलते थे रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट था? तो कि डायमेंशन पे डिपेंड है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ओके, डायमेंशन में लेंथ, एरिया, वो सब इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, फिर सर्किट डायग्राम उसका और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, तो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं तो रजिस्टर सिंगल नहीं होते। जैसे कि टेलीविज़न देखे या तो रेडियो देखे या तो कोई भी लैपटॉप ले लो या तो कंप्यूटर ले लो, जिसके मदरबोर्ड आते हैं, सर्किट होती है, उस सर्किट के अंदर हमें रजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है, रजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो नेटवर्क के फॉर्म में आएगा, वो कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आएगा। तो उसमें हमें पहले तो डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा वो पैरेलल में या तो सीरीज़ में। तो कॉम्बिनेशन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अभी सीरीज़ कॉम्बिनेशन किसको बोलेंगे? तो एक रजिस्टर का एंड दूसरे रजिस्टेंस के एंड के साथ कनेक्टेड हो लेंथ वाइज, तो उसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलेंगे? तो दो रजिस्टर के, मतलब दोनों रजिस्टर या दो से ज़्यादा रजिस्टर के सिंगल जो एंड है वो एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। तो कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ने की नीड आती है? तो कि सराउंडिंग में, डे टू डे लाइफ में हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं उसके अंदर, सर्किट के अंदर रजिस्टर सिंगल नहीं होते, रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन से रजिस्टेंस के जो इक्विवेलेंट्स होता है, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस होता है, मतलब में रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होता है उसके वैल्यू में क्या डिफरेंस आता है, वो हम आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरह के कॉम्बिनेशन आते हैं। ओके, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसमें फर्स्ट हम आज स्टडी करेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो लिखेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर या तो रजिस्टेंस। ओके, तो रजिस्टर का हम क्या करेंगे यहाँ पे? सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का मैंने जैसे बताया कि कोई भी रजिस्टेंस हो, मान लो कि ये रजिस्टर का सर्किट सिंबल है, रजिस्टर का सर्किट सिंबल सभी को पता है। ओके, ये इसका रजिस्टेंस मान लो कि R1 है, इसके एंड, एक एंड के साथ दूसरे रजिस्टेंस को क्या करना है हमें? कनेक्ट करना है। तो ये सेकंड रजिस्टेंस को कनेक्ट किया, ऐसे इसके साथ थर्ड रजिस्टेंस कनेक्ट करें, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस है R3, ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे लेंथ वाइज एक एंड के साथ दूसरे रेजिस्टेंस का एंड कनेक्ट करते जाए तो वैसे कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी इसको हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं ऐसे। ओके, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए हम क्या लगाते हैं? तो बैटरी लगाते हैं, ये बैटरी का सिम्बॉल है। ओके, और उसको सभी को कैसे लगा रहे? तो कंडक्टिंग वायर से, ये कंडक्टिंग वायर है। और यहाँ पे मान लो कि ऑन ऑफ करने के लिए सर्किट, तो यहाँ पे हम एक की लगाएंगे। ये कौन सी की है? तो कि टेप की है। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं टेप की। ये अपनी बैटरी है, या तो पोटेंशियल डिफरेंस, या तो वोल्ट V, या तो बैटरी भी बोल सकते हो, या तो इलेक्ट्रिकल सेल भी बोल सकते हो। और ये अपने रजिस्टेंस है। ओके, अभी कुछ टिप्स है जो आपको याद रखने हैं लोअर क्लास के अंदर भी और हायर क्लास के अंदर भी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो क्या है वो टिप्स? तो कि जब भी आपको कोई कॉम्बिनेशन गिवन हो, तो कॉम्बिनेशन में आपको कैसे पता चलेगा वो सीरीज़ या पैरेलल? तो फर्स्ट थिंग वो क्या है? तो कि सेम चार्ज, चार्ज सेम हो। दूसरा थिंग तो कि डिफरेंट पोटेंशियल। ओके, थर्ड ओनली वन वे। ओके, तो ये तीन चीज़ें आपको पता हो तो उसके ऊपर से आप कोई भी सर्किट सीरीज़ है वो आप पता कर सकते हो। तो पहली चीज़ क्या है? तो कि सेम चार्ज, चार्ज सेम रहेगा पूरे सर्किट में, मतलब ये तीनों रजिस्टर में से। और पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रजिस्टर के अक्रॉस में क्या होगा? अलग अलग होगा। ओके, डिफरेंट होगा,
और ओनली वन वे होगा करंट को पास होने के लिए, चार्ज को पास होने के लिए, तो वैसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा करंट की डायरेक्शन होती है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन दिखा देते हैं करंट की, करंट की डायरेक्शन आई, और आई इक्वल्स टू क्या लिखते हैं क्यू बाई टी, मतलब मैं चार्ज उन चार्ज सभी में से क्या जाएगा सेम जाएगा, क्योंकि चार्ज के पास ओनली वन वे है, वन वे है मतलब सभी में से चार्ज क्या जाएगा सेम जाएगा, करंट सेम जाएगा, और यहाँ पे भी करंट आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव पे एंड होगा। ये मैंने टेप की ओपन रखी है, अभी मैं इसको क्लोज कर दूँ तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। ओके, अभी देखो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करिए, वोल्टेज भी लगाया तो इसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल और इसके साथ नेगेटिव, बाकी के तो कनेक्शन नहीं है, तो मतलब सभी के अक्रॉस में जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस में, रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस में, रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या तो वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो उसको हम यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। ये रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V1, ओके सिमिलर ऐसे ही R2 के अक्रॉस में V2, ऐसे ही R3 के अक्रॉस में V3, ओके ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप आपको मिलेंगे। ओके, लेकिन कंडीशन क्या है कि मान लो कि मैं यहाँ से 100 वोल्ट अप्लाई करूँ तो इसमें मान लो कि 10 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, यहाँ पे मान लो कि 30 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, तो यहाँ पे कितना रहेगा 60 वोल्ट। यहाँ से मैं 100 वोल्ट अप्लाई करूँ, कभी भी वोल्ट क्या है तो एक टाइप का वर्क डन है चार्ज के ऊपर, ओके चार्ज के ऊपर वर्क डन कराते वही डब्ल्यू इक्वल वी इक्वल्स टू क्या लिखते थे डब्ल्यू बाई क्यू, और वर्क इक्विवेलेंस होता है एनर्जी के साथ, मतलब एक टाइप की एनर्जी ही है। ओके, तो एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं होती ये और लॉस नहीं होती, वो कन्वर्ट होती जाती है। तो यहाँ पे देखो मतलब एनर्जी कभी भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होगी, लॉस हो सकती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में। यहाँ पे 100 वोल्ट का जो मैंने अप्लाई किया है पोटेंशियल डिफरेंस वो इसमें 10 वोल्ट में ड्रॉप हुआ, ये 30 वोल्ट में, मतलब 40 वोल्ट हुआ, तो बाकी रिमेनिंग कितना 60 वोल्ट होना चाहिए यहाँ पे, मतलब मैं सम ऑफ मतलब टोटल पोटेंशियल किसके बराबर होगा जो इंडिविजुअल रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप है उसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें कंजर्वेशन अप्लाई करना है। कंजर्वेशन क्या होता है एनर्जी का, तो क्या एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं होगी और डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो वही रूल के अकॉर्डिंग जितना भी वोल्ट अप्लाई कर रहे उतना ही वोल्टेज इसके अक्रॉस में ड्रॉप होगा, इतना ही R2 के और इतना ही R3 के अक्रॉस में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप या तो टोटल वोल्टेज वो V इक्वल्स टू क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, रजिस्टर R1 के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप, रजिस्टर R2 के अक्रॉस में और रजिस्टेंस R3 के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप। अभी हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था अपना, तो कि V इज इक्वल टू IR। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V1 मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 वो क्या होगा IR1, क्योंकि करंट तो सेम रहेगा सभी में से, करंट सेम II ही जाएगा सभी में से, लेकिन रेजिस्टेंस अलग है वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग आएगा। सिमिलर V2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम IR2, सिमिलर V3 इक्वल्स टू लिख सकते हैं IR3। ये सभी वैल्यू इक्वेशन वन के अंदर पुट कर दे, ये इक्वेशन टू दे दे, तो हमारा इक्वेशन बनेगा IR इक्विवेलेंट इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इस इक्वेशन में से हम I को कॉमन निकालें तो IR इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, दोनों साइड से IA कैंसिल आउट, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका रिजल्टन इक्वेशन हुआ किसके कॉम्बिनेशन में, तो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो आप देख सकते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी। ओके, अभी मान लो कि आपके पास n नंबर ऑफ रजिस्टर हो ऐसे अप टू RN तक, और उसको पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है हमने यहाँ पे, ये पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल, ये R1 रजिस्टर, इसका रजिस्टेंस है R2 और ये से RN, सभी को हमने कैसे लिया है तो कि सीरीज में कनेक्ट किया, और सीरीज कैसे पता चलेगा तो ये टिप्स आपको याद रखनी है। ओके, अभी इसका रेजिस्टेंस निकालना हो, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, तो सिंपल R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 R1 प्लस R2 प्लस
अप टू आर एन, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ ये इक्वेशन। सिमिलर आप ऐसे प्रोसेस कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे स्पेशल केस कंसिडर करूँ कि आर वन इक्वल्स टू आर टू इक्वल्स टू अप टू आर एन इक्वल्स टू आर, मतलब सभी आइडेंटिकल रजिस्टर है, तो उस केस में आपका रजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एन आर हो जाएगा। ओके, मतलब मैं वो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ये रजिस्टेंस की वैल्यू इन टू नंबर ऑफ रजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन, जब आप इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकाल ले और सभी आइडेंटिकल रजिस्टेंस हो, तो डायरेक्टली आप नंबर ऑफ रजिस्टेंस इन टू रजिस्टेंस की जो वैल्यू, रजिस्टर की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इक्विवेलेंट रजिस्टेंस मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर इक्विवेलेंट क्या मिल रहा है, मैक्स मिल रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं मैक्सिमम रजिस्टेंस। ओके, आर मैक्स। ओके, क्लियर है सभी को? तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या देखे, तो मान लो कि आपके पास दो रजिस्टर है, ये कोई 6 ओम है, रजिस्टर का सिम यूनिट तो बताया ना, रजिस्टेंस का यूनिट ओम, और ये 4 ओम। अभी आपको ये ए और बी टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रजिस्टेंस फाइंड करने बोले, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या करोगे, आर वन प्लस आर टू। तो आर वन क्या है, 6 ओम, और आर टू क्या है, 4 ओम, तो कितना आंसर रहेगा, 10 ओम आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो आप देख सकते हो कि आपका रिजल्टन है वो जो इंडिविजुअल लार्जेस्ट रजिस्टेंस है उससे भी लार्ज आ रहा है, मतलब में रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज़ के अंदर इंक्रीज होगा। तो आपके घर में जो अप्लाइंस होते हो वो पैरेलल में लगाए जाते हैं, सीरीज़ में नहीं लगाते, सीरीज़ में लगाएंगे तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, फ्लो होगा नहीं इसलिए। ओके, क्लियर है सभी को? तो ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा या तो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस होगा उससे भी क्या आएगा, आपका वैल्यू लार्ज आएगा। तो ये अपना सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। सीरीज कॉम्बिनेशन को अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद हम स्टडी करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कराओ, पहले तो सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ओके, रजिस्टर का मेरे पास कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो कैसे पता चलेगा, उसके टिप्स भी देखेंगे हम कि ये मेरे पास कोई कॉम्बिनेशन है ऐसे, और रजिस्टर का सिंबल होता है सर्किट सिंबल जिगजैग पैटर्न। ओके, इसे आप दिखा सकते हो। और इसको पोटेंशियल डिफरेंस से लगा देंगे, ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस पीडी से। ओके, ये सर्किट सिंबल है, ये अपना प्लस टर्मिनल या माइनस टर्मिनल। ओके, अभी करंट कहाँ से पास होगा, तो क्या हाई टर्मिनल टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब प्लस टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, करंट की डायरेक्शन है। इसका रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं आर वन, इसका रेजिस्टेंस आर टू, और ये वाला आर थ्री। ओके, अभी देखो कि ये प्लस टर्मिनल है तो इसके साथ कनेक्ट होगा, ये पॉजिटिवली कनेक्टेड है यहाँ पे, और नेगेटिव, मतलब तीनों रेजिस्टेंस को इक्वल पोटेंशियल मिलेगा, पोटेंशियल का ड्रॉप यहाँ पे तीनों के अक्रॉस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन यहाँ से जो चार्ज जा रहा है, ओके, आई इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, क्यू बाई टी, तो यहाँ पे क्यू आएगा तो क्यू के पास देखो तीन रास्ते, एक तो ये वाला रास्ता, एक और ये और ये, तो वो डिवाइड होगा। जब चार्ज यहाँ पे क्या जाएगा, तो क्यू वन, या तो हम करंट की बात करें तो यहाँ पे करंट जाएगा, करंट के टर्म में ही रखते हैं, यहाँ के यहाँ आई जितना करंट जा रहा है, जंक्शन आया यहाँ पे, जंक्शन का मतलब होता है एक दो से ज़्यादा मतलब में वे हो तो उसको हम बोलते हैं जंक्शन। ये मान लो कि अपने पास ये पॉइंट है, इस पर ये जंक्शन नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा में वे लो कर दो तो ये जंक्शन हो गया, तीन रास्ता है वो जंक्शन बन जाएगा, चार रास्ता होगा वो भी जंक्शन हो जाएगा। ओके, मतलब में जंक्शन मतलब क्या, दो से ज़्यादा जब एंड कनेक्ट होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, जंक्शन। तो ये जंक्शन ए और ये जंक्शन बी है, तो जंक्शन ए के पास करंट आएगा, करंट के पास तीन वे, तीन रास्ते हैं, तो तीन रास्ते, तो वो तीनों रास्ते पे से हाफ अप डिवाइड होते जाएगा, तो मतलब में करंट क्या हो रहा है, पे डिवाइड हो रहा है। तो ये पहले में करंट आई वन, सेकंड में आई टू, और थर्ड में आई थ्री से करंट डिवाइड होते जाएगा। ओके, फिर सामने वापस वो एड होके आई निकलेगा। तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करना हो तो उसके टिप्स याद रखो कि आपको क्या याद रखना है, क्या देखना है आपको कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए। तो फर्स्ट आप ये देखोगे कि सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम
सेकंड क्या होना चाहिए, तो कि डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट, डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट, एंड थर्ड मल्टी वे, मल्टीपल वे। ओके, तो जब करंट पास हो रहा है सर्किट में से जंक्शन के पास, उसके पास मल्टीपल वे आ रहा है, करंट के पास दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा रास्ते, तो उसको मल्टीपल वे बोलेंगे। मतलब मैं आपको कोई कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन वो चेक करना हो तो सर्किट डायग्राम देखो, सर्किट डायग्राम में देखना है पहले तो सेम पोटेंशियल हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है। दूसरा देखना है कि डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट है तो कि इलेक्ट्रिक करंट इस रजिस्टर्स में से डिफरेंट डिफरेंट जा रहा है, और उसके पास करंट के पास मल्टीपल वे। ओके, तो उस तरह के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सिंपलेस्ट में मैं बताना होता कि तीनों रजिस्टर के जो एंड है वो एक कॉमन पॉइंट के पास कनेक्ट करे तो वो क्या हो जाएगा, अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अभी देखो यहाँ से करंट आ ही जा रहा है, करंट क्या है, एक टाइप की एनर्जी ही है, और एनर्जी का कंजर्वेशन होता है कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा और क्रिएट नहीं होगा। मतलब जितना करंट आई जा रहा है यहाँ से उतना ही करंट सामने हमें मिलना चाहिए। मतलब मैं जितना यहाँ पे डिवाइड होगा I2, I3, I1, I2, I3, तो सभी का सम कितना आना चाहिए, आई जितना आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का कि आई इक्वल्स टू, टोटल करंट की बात करें, टोटल करंट आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, अभी हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था अपना, V इज इक्वल टू IR, लेकिन मुझे I की वैल्यू पुट करनी है, तो I इक्वल्स टू मैं लिखूँगा V बाई R। ओके, तो मुझे जब I1 की वैल्यू पुट करूँगा तो V तो मेरा सेम रहेगा, डिनोमीटर में रेजिस्टेंस चेंज है। सिमिलर I2 इक्वल्स टू लिखूँगा V बाई R2, और I3 इक्वल्स टू V बाई R3। ये सभी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूँ इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट वी बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वी बाई R1 प्लस वी बाई R2 प्लस वी बाई R3। ओके, ये सभी इक्वेशन में से हम V को राइट हैंड साइड के इक्वेशन में से V को कॉमन निकालें तो वी बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वी कॉमन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, ये वी वी कैंसल आउट, तो अपने पास जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन बनेगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये अपना क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ, किस केस में, तो क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अभी एक सर्किट देखते कि एन नंबर ऑफ के अपने पास रजिस्टर हो और वो पैरेलल में कनेक्ट हो, तो उस केस में क्या करोगे। ओके, ऐसे अपने पास रजिस्टर है लेकिन कैसे है एन नंबर ऑफ और वो क्या है, तो के पैरेलल कनेक्शन में, तो उस केस में आपका जो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। ओके, ये मेरे पास सर्किट है, सर्किट में जो रजिस्टर है वो कितने हैं, तो के एन है, ये R1, R2, अप टू RN, ओके, ये V वोल्ट की बैटरी लगाई है, करंट I इस तरफ जा रहा है और यहाँ से भी I मिल रहा है। तो यहाँ पे हम कंडीशन ले लेते कि R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल अप टू RN इक्वल्स टू के अपना R आइडेंटिकल है, तो उस केस में देखो कि आपका इक्वेशन R इक्विवेलेंट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू लिखोगे 1/R प्लस 1/R प्लस अप टू 1/RN, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू लिखोगे आप R/N, या तो ऐसे लिख सकते हो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू N/R, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आएगा आपका R/N। तो इसका मीनिंग क्या है, तो कि आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब कॉम्बिनेशन पैरेलल हो रजिस्टर का तब आपका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, इसलिए हमारे घर के अंदर जो अप्लायंस से डिवाइस हो किस में कनेक्ट किए जाते हैं, पैरेलल में, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस हमें डिक्रीज करना होता है। ओके, तो ये डिक्रीज हो गया यहाँ पे R/N। ओके, R मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू, डिवाइड बाय N क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर इन कॉम्बिनेशन। ओके, इस शॉर्टकट फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे रजिस्टर कैसे हो, आइडियल हो। ओके, सभी सेम वैल्यू वाले हो,
तब ये हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, बाकी ये वाले इक्वेशन से भी हमें आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ओके अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद हम कुछ सम्स देखते हैं। ओके पैरेलल कॉम्बिनेशन के एग्जांपल के, तो एग्जांपल देख लेते चलो, यहाँ पे एग्जांपल देख लेते चलो। फर्स्ट एग्जांपल, ओके मान लो कि आपके पास आर वन इक्वल्स टू 3 ओम है और आर टू इक्वल्स टू है 6 ओम, ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन, ओके ये आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, ये आर वन और ये आर टू। तो फॉर्मूला क्या है, तो कि 1 upon R equivalent = 1 upon R1 + 1 upon R2। अभी R equivalent equals to क्या होगा, 1 upon R equivalent = हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऊपर R2 + R1, डिनोमीटर में R1 × R2। तो R equivalent equals to लिख सकते हैं R1 × R2 / R2 + R1। ओके इसमें वैल्यू पुट कर दे तो R equivalent = R1 कितना है अपना 3, R2 कितना है 6 ओम, डिवाइडेड बाय 6 + 3, तो आंसर आएगा 18/9, तो आंसर आपका आएगा 2 ओम। ओके तो ये आपका रिजल्टेंट आंसर है। मतलब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो कि जो इंडिविजुअल लोवेस्ट रजिस्टर हो ना उससे भी आपको क्या मिलेगा, कम रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। मतलब मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। मतलब मैं ये जो वैल्यू है आपका क्या आएगा, आर मिनिमम आएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखे हमने, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, हायर क्लास में भी आएगा। ओके और इसके ऊपर से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, और ये आपका जो टिप्स है वो आपको याद रखनी है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अच्छे से नोट कर लो।